ए गा इज़ वेलकम बैक वंस अगेन टू स्टडी विद आशीष मेरा नाम है आशीष ससदेव एंड एंड दिस वीडियो लेक्चर सीरीज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपनीज़ एक्ट टू इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन की और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके आगे एप्लीकेबिलिटी की अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें पहले तो वीडियो पूरा देखें वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ जो भी कंपनीज uh, लॉ पढ़ना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट वेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट दी अपडेट ऑफ द सेम नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं इन लेसन के अंदर और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आई हैव टू एक्टिव हैंडल्स राइट नाउ स्टडी विद आशीष एंड आशीष सचदेव रील्स अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करेंगे मैं आपको फॉलो बैक जरूर करूंगा और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट करते हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है एंड आई गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल दैट स्टार्ट विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दू था एंड थर्टीन मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हम जो मॉड्यूल यहाँ पे ले रहे हैं वो आई का सी का फाउंडेशन मॉड्यूल है जहाँ से हम टेक्स्ट को यहाँ पे रेफर करेंगे नाउ टूडे विल बी रीडिंग अबाउट दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी एक्ट होता है ना दोस्तों उसकी एक स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी होती है यानी वो एक्ट के प्रोविजन पे लागू होंगे किन किन चीजों को कवर करेंगे कहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी द सेम इज द विदनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन नाउ लेट लेटस रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शाल अप्लाई टू कंपनीज इन कॉरपोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ देखिए ये एक नया एक्ट है इससे पहले भी कई बार कंपनीज एक्ट आए और उन कंपनीज एक्ट के अंदर या जो भी कंपनी लॉ उस समय की सरकार ने बनाया उसमें बहुत सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई शुरू हुई तो अब क्योंकि एक नया एक्ट आ गया है तो पुरानी वाली जो कंपनीज वहां पे इनकॉर्पोरेट हुई थी उन एक्ट के अंदर दे विल ऑल्सो बी नाउ गवर्न अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट टू और इसके साथ साथ जो कंपनीज नई बनेंगी और जो इसी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट होंगी इसी तहत इसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन होगा जिनका तो वो तो बट ऑब्वियस है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के थ्रू यहां पे गवर्न की जाएंगी यहां पे एप्लीकेबिलिटी में हमें ध्यान रखना है कि यहां पे आपके सिक्स पॉइंट्स हैं याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं सिक्स पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है कंपनीज जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई हैं या जो पुरानी कंपनीज किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं उनके ऊपर अब लग जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 वेरी वेरी इजी नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनीज राइट तो जो इंश्योरेंस के बिजनेस से जुड़ी यहां पे कंपनीज हैं उनके ऊपर भी लग जाएगा कंपनीज एक्ट लेकिन यहां पे ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है लेटस रीड इट एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन और दी नाइनटीन एक्ट 1999 देखिए अब यहां पे समझना होगा जो भी इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए यहां पे कंपनी फॉर्म हुई है है तो वो एक कंपनी वो कंपनीज एक्ट के अंदर भी गवर्न होगी लेकिन उसके लिए एक स्पेशल स्टैट्यूट वहां पे अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करने के लिए भारत में हमारे पास है इंश्योरेंस एक्ट ठीक है और सभी इंश्योरेंस की कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो रेगुलेटर है उसका नाम है आई आर डी ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि क्रिएट की गई है आई आर डी एक्ट के तहत ठीक है यह इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर है यानी इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्न होगी वो इंश्योरेंस एक्ट से भी होगी और इरडा के प्रोविजन से इरडा के जो रेगुलेशन इरडा जो भी नोटिफिकेशन देगी उनसे भी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो यहां पे गवर्न होंगी भारतवर्ष में लेकिन जहां पे इन एक्ट्स के अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाती है या कुछ चीजों को लेकर के कुछ बातों को लेकर के वहां पे एक्ट के अंदर प्रोविजन नहीं दिए हुए कौन से एक्ट में इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इरडा एक्ट के अंदर उन केसेस में वहां पे हमारे पास लागू करने के लिए लग, बच जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 और यहां पे स्पेसिफिकली देखिए एक्सेप्ट ठीक है वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन्स ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी एट और द इडा एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन यानी कि अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है कहां पे कंपनी एक्ट के प्रोविजन में और इरडा के प्रोविजन में ठीक है वहां पर कौन से प्रोविजन लागू होंगे सर वहां पर इरडा के या इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे वाई किसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी की हम यहां पर बात कर रहे हैं Why? क्योंकि वो स्पेशल स्टैट्यूट उसी कंपनी को गवर्न करने के लिए बनाया गया है जहां पे इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कोई बात नहीं कही गई उन केसेस में हम रेफर करेंगे किसको कंपनीज एक्ट 2013 को आई होप आपको मेरी बात यहां पे क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर वैसे तो स्पेशल स्टैट्यूट है इंश्योरेंस एक्ट है इरडा रेगुलेटर है इरडा एक्ट है लेकिन जहां पे इनकंसिस्टेंसी होगी जहां पे उन एक्ट्स के अंदर कुछ बातें नहीं कही गई होंगी वहां पे हम रेफर कर लेंगे किसको कंपनीज एक्ट 2013 को और इन केस अगर कोई एक मुद्दा है जिस जिसके बारे में इंश्योरेंस एक्ट में भी लिखा हुआ है इरडा में भी कुछ कहा हुआ है और कंपनीज एक्ट में भी कुछ कहा गया है तो उस केस में सबसे पहले हम किसको रेफर करेंगे सर उनके स्पेशल स्टैट्यूट जो उनके स्पेसिफिक हैं यानी इंश्योरेंस एक्ट को रेफर करेंगे या इरडा एक्ट को रेफर करेंगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैंकिंग कंपनीज के केस में भी कंपनीज एक्ट लागू होता है इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो कंपनीज एक्ट लगेगा बैंकिंग का बिजनेस करने वाली कंपनीज हैं तो कंपनीज एक्ट लगेगा लेकिन कहां पे जहां पे इनकंसिस्टेंसी होगी विद दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मतलब जहां पे 1949 वाला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है तो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगा लो लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं दी हुई देन वी हैव टू रेफर दी कंपनीज एक्ट 2013 इन दैट केस फॉर बैंकिंग कंपनीज एज वेल उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज दो तरीके का काम यहां पर करती है लेटस रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन कंपनीज एंगेज इन दी जेनरेशन यानी बिजली बनाने का काम करेंगी और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है एक्सेप्टेयर दी प्रोविजनिस्टेंट विदिजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड एंड थ्री यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी केस में भी स्पेशल स्टैट्यूट उन्हें गवर्न करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दो हजार तीन का रिसेंटली सरकार इस एक्ट के अंदर चेंजेस लेकर के आ रही है यू टेल मी की वॉट इज द न्यू बिल उसका नया जो बिल इसके लिए लेकर के आ रही है सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए अमेंडमेंट लाने के लिए उसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा गूगल करिएगा ये आपका होमवर्क है राइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को गवर्न करने के लिए स्पेशल स्टैट्यूट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या जनरेशन से जुड़ी हुई हैं वहां पे भी कंपनीज एक्ट लग जाएगा किन केसेस में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ साइलेंट है या इनकंसिस्टेंट है जहां पर वो बोलता नहीं है कुछ उस बारे में तो उन केसेज में हमारे पास कहां पे हम रेफर करेंगे वी विल रेफर टू दी 2013 बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ कंपनी राइट नेक्स्ट है एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स ठीक है स्पेशल एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी बनी है उस केस में भी क्योंकि वो कंपनी बनी है तो स्पेशल एक्ट उसको गवर्न करता है लेकिन वो वो साथ में में कंपनी कंपनी है तो जहां पे स्पेशल एक्ट उस के बारे में कुछ नहीं बोलता तो वहां पे उस उस कंपनी कंपनी के 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 ऊपर ऊपर कौन से प्रोविजंस लागू लागू हो जाएंगे? सर, उस के लागू हो जाएंगे जाएंगे सर कंपनीज एक्ट 2013 है सर, ठीक है एल हो गई स्पेशल एक्ट के अंदर एल एक्ट के तहत बनी है ओ एन ओ एक्ट के अंदर बनी है एस बी एक्ट के तहत बनी है तो एस तो वैसे बैंक है तो बैंकिंग कंपनी के वहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के भी वहां पे प्रोविजंस अप्लाई हो गए कंपनीज एक्ट के भी हो गए और एस एक्ट के तो हो ही गए उसी तरीके से ओ जो है कंपनी है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे बनी किसके तहत है ओ एक्ट के अंदर एल आई है वहां पे भी कॉरपोरेशन से जुड़े हुए जो कंपनी से जुड़े हुए जो प्रोविजन है वो यहाँ पे लागू हो जाएंगे सो एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट जो स्पेशल एक्ट के तहत स्टैट्यूट के तहत स्पेशल स्टैट्यूट के तहत जो कंपनी बनी है उसे भी वहां पे गवर्न करता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद लास्ट पॉइंट है सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीग इनफोर्स एंड एस देंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ अब क्या है ये उसी तरीके की बात जो ऊपर वाली बात कही गई थी कि स्पेशल स्टैट्यूट के तहत कोई कंपनी बना दी और सरकार नोटिफाई कर दे कि इस कंपनी पे जो ये स्पेशल स्टैट्यूट के तहत बनी है किसी स्पेसिफिक कानून के तहत ये कंपनी बनी है इस पे अप्लाई होगा सरकार ने नोटिफाई कर दिया किसी कंपनी को कि इसपे लागू होगा कंपनीज एक्ट टू तो वहां पर भी जो है कंपनीज एक्ट हमारा जो है लागू हो जाएगा राइट right, जहां पे सरकार कह देगी नोटिफिकेशन से दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट ठीक है और सरकार वहां पे कह देगी कि यहां पे जो है आप लगा दो कंपनीज एक्ट तो वहां पे भी कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा अब यहां पे सिक्स पॉइंट है इनको याद करने का सिंपल ट्रिक हमने यहां पे लिख रखा है सी बी आई ई एस आई ठीक है सी बी आई वाले जो हैं वो ई एस आई में पैसा जमा कराएंगे ठीक है तो वेरी सिंपल सी से कंपनीज इनकॉरपोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ बी से बैंकिंग कंपनी आई से इंश्योरेंस कंपनी ई एस आई ई से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और आई से स्पेशल सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाई एन एक्ट फॉर द टाइम बींग इनफोर्स एंड एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन दिस बिहाफ की उनपे जो है कंपनीउजेंड थर्टीन वहां पर लागू हो जाएगा उन सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या कंपनीज एक्ट 2013 एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट छह पॉइंट लिखिए यू विल गेट फुल मार्क्स राइट तो हमने आज सीखा दी एप्लीकेबिलिटी क्योंकि सिंपल टॉपिक है और हमने यहां पर लर्निंग ट्रिक आपको ऑलरेडी दे दी है so हैव एन ऑसम डे इंजॉय एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर यू गाइज अर रेलिवरी ऑफ ऑसम प्लीज डू शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट हैव एन ऑसम डे इंजॉय थैंक्स फॉर वॉचिंग